बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है पूजा और वंदना। दोस्तों साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों साथियों, मेरी जानकारी के मुताबिक महात्मा बुद्ध जी न खुद ने सूरज चांद तारे पानी आग हवा धरती पहाड़ मूर्ति की वंदना न कभी किए थे और न किसी से करवाए थे। मेरी जानकारी के मुताबिक श्री कृष्ण जी ने भी न खुद ने सूरज चांद तारे पानी आग हवा धरती पहाड़ मूर्ति की वंदना न कभी किए थे और ना किसी से करवाए थे। मेरी जानकारी के मुताबिक रामचंद्र जी ने ना खुद ने सूरज चांद तारे पानी आग हवा धरती पहाड़ मूर्ति की वंदना ना कभी किए थे और ना किसी से करवाए थे। मेरी जानकारी के मुताबिक स्वामी महावीर जी ने ना खुद ने चांद तारे सितारे पानी आग हवा धरती पहाड़ और मूर्ति की वंदना ना कभी किए थे और ना किसी से करवाए थे। मेरी जानकारी के मुताबिक गुरु नानक जी ने ना खुद ने कभी सूरज चांद तारे पानी आग हवा धरती पहाड़ मूर्ति की वंदना ना कभी किए थे और ना कभी किसी से करवाए थे। मेरी जानकारी के मुताबिक श्रीरंगी के साई बाबा जी ने ना खुद ने सूरज चांद तारे पानी आग हवा धरती पहाड़ मूर्ति की वंदना ना कभी किए थे और ना किसी से करवाए थे। मेरी जानकारी के मुताबिक महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने ना खुद ने सूरज चांद तारे पानी आग हवा धरती पहाड़ मूर्ति की वंदना ना कभी किए थे और ना किसी से करवाए थे। मेरी जानकारी के मुताबिक कबीर दास जी ने ना खुद ने सूरज चांद तारे पानी आग हवा धरती पहाड़ मूर्ति की वंदना ना कभी किए थे और ना किसी से करवाए थे। मेरी जानकारी के मुताबिक रहीम दास जी ने ना खुद ने सूरज चांद तारे पानी आग हवा धरती पहाड़ मूर्ति की वंदना ना कभी किए थे और ना किसी से करवाए थे। मेरी जानकारी के मुताबिक बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ना खुद ने सूरज चांद तारे पानी आग हवा धरती पहाड़ मूर्ति की वंदना ना कभी किए थे और ना किसी से करवाए थे। दोस्तों साथियों, मक्का को हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने अपने हाथों से बनाया था और जब उन्होंने बनाया था तभी उसमें कोई मूर्ति नहीं रखी गई बल्कि निरंकारी ईश्वर की पूजा होती थी। मगर ये बड़ा अजीब वाकिया है कि जिस हजरत इब्राहिम ने अपनी ज़िंदगी में मूर्ति पूजा की गुलामी से इंसानियत को आज़ाद कराया था मगर कुछ ज़माने के बाद उन्हीं की बनाई हुई इबादतगाह में मक्का में 360 मूर्ति बैठा दी गई और पूजा होने लगी। दोस्तों साथियों, महात्मा बुद्ध जी, गुरु नानक जी, स्वामी महावीर जी ने, शिरडी के साईं बाबा, महात्मा ज्योतिबा फुले जी, कबीर दास जी, रहीम दास जी, बाबा साहेब अंबेडकर जी और सभी ने सूरज चांद तारे पहाड़ हवा धरती आग और मूर्ति और जानवर की वंदना न कभी किए थे न किसी से करवाए थे। मगर इन सब के गुजरने के बाद इन सब की मूर्ति बना दी गई और उनकी मूर्ति की पूजा हो रही है। दोस्तों साथियों, ईश्वर निरंकार है और संसार की कोई भी वस्तु या व्यक्ति के जैसा ईश्वर का रूप नहीं है मगर सारा संसार ईश्वर का ही रूप है। हर इंसान के लिए निरंकार ईश्वर की वंदना ही ठीक है जिसने इन सारे चमत्कारों को पैदा किया है और बनाया है और उसी का नूर सभी चमत्कारों में मौजूद है।